बापू, राष्ट्रपिता, एक नेता, स्वप्नदर्शी, ये गांधी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। लेकिन गांधी जी का जीवन केवल इतना ही नहीं, एक शख्स जिसने शाकाहार का प्रचार किया जबकि पूरी दुनिया में मांसाहार का जोर था। लंबे समय तक उसने खादी बनाई, पत्नी और बच्चों को यूरोपियन स्टाइल के कपड़े पहनने को मजबूर किया। वो आदमी जिसने चोरी की, जिसने झूठ बोला। तो चलिए मिलते हैं महात्मा के पीछे के इस आदमी से। अगर मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए तो पत्नी को भी एक पति व्रत का पालन करना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। व्रत का पालन करना चाहिए में से मैं पालन करवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा। और अगर पालन करवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था। हालांकि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। ये सेवा में अक्षम्य त्रुटि थी, इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विश्वानत माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा। मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट भी सहने पड़े। उस समय मैं मानता था कि सभ्य माने जाने के लिए हमारा बाहरी आचार व्यवहार यूरोपियन से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा करने से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़े बिना देश सेवा नहीं हो सकती है। इस कारण पत्नी और बच्चों की पोशाक मैंने ही पसंद की। आखिर उनका परिचय काठियावाड़ी बनियों के बच्चों के रूप में कराना मुझे कैसे अच्छा लगता। सच्चाई और प्रतिज्ञा के खातिर मुझे मांस से दूर रहना था, लेकिन उसी समय कामना की थी कि हर किसी को मांसाहारी होना चाहिए। किसी दिन पूरी तरह मुक्त होकर सबके सामने मांस खाकर दूसरों को मांसाहार के लिए प्रेरित करना चाहता था। बाद में मेरी ये धारणा बदल गई। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर करीब 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से एक तोला सोना काट लेना मुश्किल ना था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। मैं जन्म से हिंदू हूँ, इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, ये सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूँ। दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है।
मुझे अक्सर महसूस होता है कि आज बड़े बेटे में जो गंदी आदतें पड़ गई हैं, वो मुझे अपनी शुरुआती जिंदगी के अनुशासनहीन और बेतरतीब दिनों की याद दिलाती है। मुझे लगता है वो वक्त आधी अधूरी जानकारी और मौज मस्ती के दिनों का था। करीब करीब उन्हीं दिनों मेरा बड़ा बेटा भी होश संभाल रहा था, लेकिन उसने इसे मेरी अनुभवहीनता या भोग विलास वाले दिन मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इसके ठीक उलट उसे लगने लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। इसके बाद जिंदगी में जो बदलाव आए वो ज्ञान प्राप्त होने की गलतफहमी का नतीजा था।